माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो आज मैं जाने वाला हूँ सलकनपुर, एंड सडनली जो प्लान बना, नवरात्रे भी चल रहे हैं तो कह सकते हैं इट्स अ बुलाबा आया है। गाय दिखाता हूँ जो हर रोज सुबह सुबह आती है, जहाँ हर रोज सुबह सुबह आती है। मैं जाता हूँ, कोचिंग की छुट्टी है संडे, तो आ गई है आज फिर से। अपना नाम बताओ बेटा। ऐसे ही इसका दोस्त जाता है, वो अपना डोगी, उसका नाम अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन बड़े पापा का प्लान था। सो मेरे तो सुबह सुबह पता चला कि सुबह सुबह जा ही रहे। सो मुझे वापस घर आना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं रेगुलर सैंडल्स यानी हवाई जहाज पहन के वहाँ तक पहुँच गया गाड़ी तक। याद ही ना कि ये रेगुलर डे नहीं है, तो मैं ये पहन के चला गया कि मुझे पहनना ये था। अच्छा इसको देना। तो ये रही परी। परी हाई बोलते कैमरे को ऐसे। कितनी प्यारी है। फिलहाल तो हवा भरवा रहे हैं यार। एंड ये रही कार, काफी बढ़िया 10 सीटर है। ये होती है गाड़ी को साफ करने के लिए। सबके पास एक चीज होती है, हथियार होता है, ये वही है। फिलहाल सलकनपुर तो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पहले मैं केप लगा लूँ। बहुत तेज धूप हो रही है यहाँ पे, धूप हो रही है बहुत तेज। एंड यहाँ पे बट रही है खीर एंड साबूदाने की खिचड़ी, जो ऑब्वियसली बढ़ती रहती है नवरात्रों के दिन। आज संडे है तो भाई इतनी भीड़ लगी है, इतनी पब्लिक राजा मतलब फंस चुका है वहाँ पे मंदिर पे जो है। तुम लोगों को धूप दिख रही हो ना, तो देख लो। और ये रही भीड़, और ये रही धूप का इलाज। तो जो भी काम था पूरा खत्म हो गया। अब सलकनपुर बस पहुंचने वाले हैं, करीबन 4:30 बज गए हैं। हाँ मतलब 3-4 घंटे जो है रिश्तेदारों से मिले, एंड पर्सनल सा था वो, तो होते इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन सलकनपुर बस पहुंचने वाले हैं। 5 बजे तक पहुंच जाएंगे ऊपर तक ही। एंड लड्डू देखो रो रहा है, लेको लड्डू देखो कैसे रो रहा है आज भी, क्यों लड्डू रो रहा है ना। अब देख यूट्यूब पे भी जाएगा ये, आइसक्रीम खाना है लड्डू को, इसलिए भी रो रहा है। दिखाओ कौन कौन सी है। कौन सी नहीं, वो वाली ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली चाहिए। ये ले भैया, ये ले आइसक्रीम, ऑरेंज वाली है। स्माइल करके दिखा, स्माइल कैमरे में दिखा, स्माइल। ये ले, बोल तो ले, पूछे लाजवाब लग रही है। और कितनी सारी गागा पकड़ी होगी रास्ते। ताओ तो दो हां, ताओ वाली है ये। पापा की मुझे देख रहे हो, ऐसे ही मुझे मुझे रखनी है पापा की उम्र तक होने तक। लेकिन अब तो मैं मंदिर के दर्शन कराऊंगा, जरा घुमा के कैमरा। तो ये रहा मंदिर, आते जा रहे, पास ही पास आते ही जा रहे हैं। काफी सारे लोग पैदल भी जाते हैं, वहीं पे रुकते हैं शायद ये लोग। सो जितने जाने वाले नहीं, उससे ज़्यादा आने वाले हैं। देखो तुम लोग कितनी ज़्यादा भीड़ निकल रही है ना, हर एक मिनट में कम से कम 20 से 25 कारें क्रॉस कर रही हैं। ये लोग मेरे हिसाब से पैदल इसलिए जाते हैं, मन्नतें मांगने, मन्नतें हो सकता है पूरी भी होती हों। सो आगे चल के देखो मंदिर के अंदर कभी सीन दिखाने की कोशिश करूँगा चुपचाप कैमरे से। सो ये रही पुलिस चौकी सलकनपुर मध्य प्रदेश।
काफी ज्यादा तादाद में पुलिस बल। चलो चलो भाई जा रहे हैं। तो भाई मतलब केओस मचा हुआ है, बहुत ज्यादा ही भीड़ आ रखी है एंड मैं तो खुद पानी लेने गया था बस जरा सा। एंड ये रोड ऊपर तक के लिए खुला हुआ है एंड यही रोड ऊपर जा रहे हैं, तुम लोगों को दिख रहा हो तो भाई एंड स्टोरेज बस फुल होने ही वाला है मोबाइल का, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट मिस हो जाए तो सॉरी बट जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सब कार पूरी ऊपर तक तो नहीं ला पाए, पैदल जा रहे हैं एंड मैं तो वो नंगे पैर जा रहा हूँ यार। भाई ऊपर तक कार में बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है, जैसे तुम लोगों को दिख ही रहा होगा बहुत ज्यादा ट्रैफिक है आगे, तो पैदल जाने में भलाई समझी। इस रास्ते से जाना हो रहा है क्योंकि सत्य ऊपर आए तो इस नज़ारे के लिए आए हैं, मंदिर देखने के लिए। हैंड वो आ रही मम्मी, थक गई मम्मी भी, इन सब में ये देखने को मिले ना तो बुरा नहीं है यार, क्या नज़ारा है यहाँ से। हाँ थकान में भी मज़ा आ गया। फाइनल स्टेप्स 50 सीढ़ियाँ और बची होंगी यार, 50 सीढ़ियों के बाद ख़त्म। मैं तो नहीं थका भाई, मेरा बंदा इतना स्टेमिना रहता है, जिम विम में जाए करीबन आधे रास्ते से ऊपर आ रहे हैं तो मज़ा आ गया मुझे तो। तो फाइनली पहुंच ही गए अंदर, ये रहा मंदिर देख लो। वैसे फिल्मिंग शायद अलाउड तो है एंड काफ़ी जगह रुकने की फिर भी अभी भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं निकलते जाओ रुको नहीं, काफ़ी जगह फिर भी ठीक है निकलते आएंगे। जो निकलना है पूरा जुलूस सा एकदम बाहर, और बाहर निकला है भाई मेरे पाँव पड़ी है, मैं तो फिर पाँव पड़ने में पड़ रहा यहाँ पे। नवरात्र में फंस हो गए यहाँ पे, बहुत ज्यादा ही तेज मतलब चलता रहता है मेला मेला, इंतजार कर रहे हैं एंड पता नहीं मेरे पाँव में कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए ये लोग। सो ये लाइटिंग भी लगाई, डिस्को लाइट्स काफी ज्यादा, कैसा लग रहा हूँ मेरी शक्ल, मैं ढूंढ रहा हूँ अपने परिवार को कहाँ है, इकला मारे जो अपने परिवार को ढूंढ रहा है शांति से, पता नहीं कहाँ चले गए। ये लोग क्या नहीं, लोग की हाइट छोटी है, हाइट छोटी है इसलिए मिल नहीं रहती है लोग यार। सो काफ़ी अच्छी लाइटिंग की यहाँ पे भी, तो फोटो खींच लूँ पहले मैं। सो अब यहाँ पे सीढ़ियों के किनारे किनारे एकदम नीचे ही बैठ गए हैं एंड घर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग अलग अलग टाइम पे आए, पहले तो सब लोग नीचे रुक गए, फिर वो लोग काले के ऊपर आ गए, जब तक हम लोग पैदल ऊपर आ गए तो 2 किलोमीटर हम लोग चढ़ के ऊपर आए, वो लोग 10 मिनट लेट आए लेकिन कार से आ गए, बट कोई नहीं हाथ तो गए सब ऊपर, पसीना बेस्ट चला गया मेरा लेकिन कोई नहीं यार, तो अब उनका वेट करें ऊपर दर्शन करके आए और हम लोग यहाँ से निकले। शाम के 7 बज गए घर पहुँचते पहुँचते 10 तो बज जाने, दिल्ली जाने का हो रहा है वापस पुनः घर वापसी एंड ये लोग रिवर्स तरफ उल्टी तरफ से आ रहे हैं यार, या मैं उल्टी तरफ से जा रहा हूँ पता ही नहीं, वैसे राइट साइड ड्राइव है तो मैं तो सही जा रहा हूँ। तो ऊपर आए एंड ये खा रहे मटका कुल्फी, पता नहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब सही लग रही है मुझे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद, लेकिन इतनी ज़्यादा हल्की है, इसमें वजन बिल्कुल भी नहीं है आइसक्रीम के अंदर। दीदी खिला देना जरा सी है, खिला दो तो जरा एक, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा हल्की एकदम वजन महसूस ही नहीं होता वो खाना। चले देखो दीदी तीस कहता हूँ, एक हाथ से कैमरा एक हाथ से, ये तो एक हाथ चाहिए नया खिलाने के लिए, अभी कुछ खाने का और मन कर रहा है लेकिन क्या था यार, अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा हल्की लेकिन अच्छी लग रही है। कंटिन्यू
कंटिन्यूसली लोग आते ही जा रहे हैं। बस तो हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं एकदम, जो भी है उपहास वाला खाना के, तो भाई खाते खाते हुए जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रही है। एंड अभी तो मैं यही खा रहा हूँ, वैसे खाता नहीं हूँ, लेकिन भूख तेज लगी थी तो मैंने कहा ले लूँ, वो भी दो ले लिए मैंने, साइज़ देख के दो यार, दो दो तो दो लेके अभी बस कहीं रुकते और आए कहीं रुकते तो नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, दान करते हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो अब घर को आ गए, मैं घर के अंदर आराम कर रहा हूँ भाई, भी थकान हो गई है पूरे, करीबन मैं कहूँगा 13 घंटे हो गए घर से निकले, 9 बजे निकल गए थे, अब 10 बजे घर आए, एंड अभी 10:15 10:30 हो चुके, खाना माना खा चुके हैं एंड थकान बहुत हो चुकी है। तो बस यार इस ब्लॉग में इतना ही, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।